अगर आपकी फाइल भी एम्बेसी में है और आपका भी अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि IRCC ने जो लेटेस्ट अपडेट अभी दी है वो उन फाइल्स के लिए है जिनका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। फाइनल रिजल्ट मैं किसको कह रहा हूँ, अगर आपकी PPR भी आ चुकी है मगर आपका वीजा स्टैंप नहीं हुआ आपके पासपोर्ट पे, तो आपका फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है। जो नई अपडेट है वो कैसे आपके वीजा पे इम्पैक्ट कर सकती है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक ये पहुंचे जिनकी फाइल एम्बेसी में है। IRCC ने जिन बच्चों की फाइल एम्बेसी में है उनके लिए अपडेट दिया है कि अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपकी फाइल प्रोसेसिंग के लिए हमें चाहिए उसकी डेडलाइन जो पहले थी 30 डेज, कोई भी रिक्वायरमेंट अगर IRCC की तरफ से होती थी तो वो 30 डेज में जो भी एप्लीकेंट होता है उसको कंप्लीट करनी होती थी, मीनिंग वो डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना पड़ता था। मगर कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इसकी वैलिडिटी 90 डेज के लिए ऑटो एक्सटेंड कर दी थी। जैसे अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट डिमांड किया गया और आप वो डॉक्यूमेंट उनको नहीं दे पाए 30 डेज में लॉकडाउन के कारण, तो वो ऑटो एक्सटेंड हो जाती थी नेक्स्ट 90 डेज के लिए। मगर अभी जो नया अपडेट आया उसमें उन्होंने वो 90 डे का जो एक्सटेंड पीरियड था उसको हटा दिया है। अभी आपको अपना हर डॉक्यूमेंट जो भी IRCC आपसे डिमांड करती है वो 90 डेज आपको एक्सटेंड पीरियड नहीं मिलेगा, सिर्फ 30 डेज में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसमें वो सारे बच्चे आएंगे, अगर आपका बायोमेट्रिक अभी पेंडिंग है तो आपकी फाइल उसमें आ सकती है, अगर आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ तो भी आपकी फाइल उसमें आ सकती है, अगर आपको PPR आ चुकी है और आपका पासपोर्ट स्टैंप होने के लिए सबमिट नहीं हुआ तो भी आपकी फाइल उसी कैटेगरी में आएगी, जहां अनदर कोई डॉक्यूमेंट जो उनको आपकी फाइल प्रोसेस करने के लिए चाहिए अगर वो 30 डेज तक आप नहीं देते तो आपको अभी एक एक्सप्लेनेशन लेटर जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप ये जो डिमांड किया गया डॉक्यूमेंट है वो 30 डेज में क्यों नहीं दे पाएंगे, उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर वो रीज़न जेन्युइन होगा तो वो आपका जो एक्सटेंड है वो पीरियड वो कर देंगे 90 डेज के लिए, अगर वो जेन्युइन नहीं लगा उनको तो वो आपकी फाइल पे नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसको बहुत सीरियस लेना है आपने। अपने ईमेल अकाउंट को और अपने GC के अकाउंट को हमेशा चेक करते रहिए कि अगर कोई डिमांड आती है IRCC की तरफ से आपको फॉर्म उस पर मालूम पड़े और उसको नेक्स्ट 30 डेज तक उसको सबमिट करवा दें। मगर जिन बच्चों का बायोमेट्रिक पेंडिंग है और बायोमेट्रिक अभी सबमिट नहीं हो रहे, जो भी अपॉइंटमेंट बुक की गई थी वो रीशेड्यूल करेंगे, जब भी कोविड का जो ये लॉकडाउन का जो ये पीरियड है ये हटेगा उसके बाद जितने भी बायोमेट्रिक के डेट थे उसको रीशेड्यूल किया जाएगा। अगर हम पीछे की बात करें, लॉकडाउन के बाद जब से बायोमेट्रिक ओपन हुआ है हमारे किसी भी बच्चे का अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल नहीं हुआ था, मगर अभी उन्होंने प्रोविजन दिया है कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी बच्चों की बायोमेट्रिक की डेट एक्सटेंड की गई है उनको रीशेड्यूल करने का मौका मिलेगा। तो आपको इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बायोमेट्रिक पेंडिंग और IRCC की तरफ से डिमांड की गई है तो आप जस्ट एक्सप्लेनेशन लेटर में वो चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ उसके पीछे भी सेम रीज़न आप दे सकते हो, अगर आपका जो पैनल आपने चूज़ किया है अगर उसकी तरफ से पेंडिंग है या आप जो मेडिकल नहीं दे पाए वो भी आप उसमें रीज़न दे सकते हो। सेम अगर आपको PPR आ चुकी है, पेमेंट लिंक भी आ चुका है, आपने पेमेंट भी कर दिया मगर आप अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो 2-way कोरियर सर्विस है वो अभी एक बार टेम्प्ररी बेसिस पे उन्होंने स्टॉप कर दी है। उसके कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी PPR आ चुकी है मगर वो अपना पासपोर्ट स्टैम्प करने के लिए सबमिट नहीं कर पा रहे, तो इससे भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेम आप एक एक्सप्लेनेशन लेटर लिखिए और वेब फॉर्म के जरिए अपडेट कर दीजिए, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई अनदर डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड किया गया है उसके पीछे अगर कोई जेन्युइन रीज़न है जिसमें लॉकडाउन के कारण वो डॉक्यूमेंट आप नहीं ले सकते और वो नहीं सबमिट कर सकते तो एक्सप्लेनेशन लेटर आप लिख सकते हो, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी अपडेट थी वो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं पूरे डाउट आपके क्लियर कर दूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन दे सकते हो या नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। जितने भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम जो भी हमारा अकाउंट है उस पर आपको स्टोरी और जो रील्स में उनके सारे आंसर
अच्छे से मैं देता हूँ ताकि बच्चों को प्रॉपर आंसर दे पाए। जिन बच्चों ने सितंबर इंटेक के लिए अपनी फ्रेश फाइल अप्लाई करनी है, क्योंकि 16 मई से पहले पहले जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट 6 अगस्त तक, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि IRCC की तरफ से एक डेडलाइन दी गई है कि इस डेट तक हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जो बच्चे इस डेट से पहले उन्होंने वो 12 वीक का जो प्रोसेसिंग टाइम है स्टडी वीजा का, जो CIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है, वो सेम आपका जो टाइम लेके रखा है कि 12 वीक में हम जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। कोई भी बच्चा अगर सितंबर इंटेक के लिए अपनी फ्रेश फाइल अप्लाई करना चाहता है तो बिना देर किए आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी प्रोफाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। जितने भी बच्चे हमारे साथ अप्लाई हैं, जिनका प्रोसेस कंटिन्यू है, हमारे ऑफिस क्लोज है, ऑनलाइन काम चल रहा है, सारा जो भी स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, आपकी फाइल पे प्रोसेसिंग कंटिन्यू है, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आप उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, आपका जो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जहाँ पर आपको हमेशा लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।